नवरात्र की पावन नवमी व विजयादशमी पर प्रदेशवासियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी शुभकामनाएं। कहा, पर्व त्योहारों पर स्वच्छता, सुरक्षा और सद्भावना को दे सर्वोच्च प्राथमिकता। सत्य, धर्म व न्याय के पथ पर चलने वालों की होती है सदैव विजय। उमंग से मनाए पर्व, कहीं भी उत्पन्न न हो भगदड़ या अव्यवस्था की स्थिति। सीएम योगी ने पांव पखारकर मातृशक्ति के प्रति सम्मान को किया प्रतिष्ठित। गोरक्ष पीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया नौ दुर्गा स्वरूपा नौ कुमारी कन्याओं का विधि विधान से पूजन। परंपरा का निर्वहन करते हुए बटुक का भी किया पूजन। आस्था के लहरों पर सवार होकर निकली गोरक्षपीठाधीश्वर की विजय शोभा यात्रा। मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर की अगुवाई में गोरखनाथ मंदिर से विजयदशमी पर हुआ पारंपरिक आयोजन। अल्पसंख्यक समाज ने जोरदार स्वागत कर दिया। तुष्टिकरण के राजनीति करने वालों को करारा जवाब। सीएम योगी ने विजयादशमी की जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, समाज को खोखला बना रही है राक्षसी प्रवृत्तियां। अलग अलग रूप में अलग अलग कालखंड में पैदा होती हैं अन्यायी और अत्याचारी ताकतें। कभी अधर्म के रूप में, कभी रावण के रूप में और कभी कंस, दुर्योधन, आतंकवाद, नक्सलवाद और भ्रष्टाचार के रूप में। विजयादशमी का पर्व सनातन हिंदू धर्म को सदैव सत्य, न्याय और धर्म के पथ पर चलने की देता है प्रेरणा। धर्म के बारे में जानना है तो भगवान राम के चरित्र के बारे में जान लो। तिलकोत्सव कार्यक्रम में गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सबसे पहले पीठ से जुड़े योगी, संत, पुजारी, पुरोहित आदि ने मंगल पाठ के बीच लगाया तिलक। तत्पश्चात श्रद्धालुओं ने लगाया तिलक, लिया आशीर्वाद। विजयदशमी पर्व पर गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिव अवतारी गुरु गोरक्षनाथ जी का किया विशिष्ट पूजन अनुष्ठान। करबद्ध होकर श्री नाथ जी और सभी देव विग्रहों की भी की परिक्रमा। बुधवार को गोरखपुर चिड़ियाघर में सफेद बाघिन को बाड़े में भेजकर तेंदुओं के दो बच्चों का नामकरण करेंगे सीएम योगी। पर्यटक कर सकेंगे व्हाइट टाइगर का दीदार। जनसभा को भी संबोधित करेंगे सीएम योगी।